हाय दोस्तों, आपके सामने आज है ओप्पो का ब्लूटूथ हैंडसेट जो कि मैं आपके लिए लाया हूँ अनबॉक्सिंग के लिए। और आज मैं इसकी अनबॉक्सिंग लेने वाला हूँ और इसका रिव्यू लेने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ आकाश मीणा और आप मेरे साथ देख रहे हैं टेक विद आकाश। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। सबसे पहले देख सकते हैं ऐसा ही है। दरअसल ये चाइना की कंपनी है क्योंकि ओप्पो और वीवो दोनों को चाइना ने ख़रीद लिया। तो इसमें सभी चाइना में लिखा हुआ है। चलिए देख सकते हैं, मेड इन चाइना लिखा हुआ है। तो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। ये देख सकते हैं आप, ओप्पो का ब्लूटूथ है। यहाँ पर इसमें ये पावर बटन दी गई है और ये प्लस माइनस के लिए, आवाज़ के लिए बटन दी गई है। ये प्लस से आवाज़ बढ़ती है, माइनस से कम होती है। चार्ज की बात की जाए तो इसमें जो एंड्रॉइड का चार्जर होता है वही चार्जर है, वही स्लॉट है। इसमें बैटरी का तो नहीं लिखा हुआ कि कितने एमएच के, लेकिन अच्छी खासी चलती होगी अभी तक, क्योंकि मैंने भी अभी लाया हूँ इसको। ये देखिए, इसमें कुछ लिखा हुआ है, ब्लूटूथ हेडसेट मेड इन चाइना 2017, मतलब कि पिछले साल में बना हुआ है। और आप देख सकते हैं इसके लुक को। तो दरअसल ये राइट वाले ईयर में लगाने के लिए है, लेकिन इसको हम यहाँ पर से निकाल कर और लेफ़्ट राइट कोई से भी ईयर में इसको लगा सकते हैं। तो देख सकते हैं आप कि ब्लूटूथ तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। अगर इसको कनेक्ट करने की बात की जाए तो आपको मैं बताता हूँ, और भी इसमें लिखा हुआ है कुछ। हाँ, देख सकते हैं आप कि ये कॉलिंग कॉलिंग को भी कनेक्ट हो सकता है, मतलब कि इससे हम कॉल भी कर सकते हैं, इससे हम कॉल कर सकते हैं। और ये दो डिवाइस से एक साथ कनेक्ट हो सकता है। इसके बाद में इसकी हाई क्वालिटी है, वीडियो का हाई क्वालिटी, ऑडियो हाई क्वालिटी है। और अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि इससे कौन सी की से क्या हो सकता है। देखिए, अगर इसे चालू करना है तो सबसे पहले तो ये पावर की को दबा कर रखते हैं। देखिए, आपको ये थोड़ा थोड़ा लाइट दिखता होगा, ये उजाले के कारण नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर ये लाइट जल रहा है, ये मतलब चालू हो गया है। इसके बाद मैं बताता हूँ मैं आपको किससे कॉल कैसे करनी है। सिर्फ इससे किसी के पास भी कॉल नहीं कर सकते, इससे उन लोगों के पास कॉल कर सकते हैं जिससे हमारे पास लास्ट कॉल आई हो। ये जो पावर बटन जो होती है, इसको दो बार प्रेस करने पर हम किसी के, मतलब जो लास्ट कॉल है उस पर कॉल कर सकते हैं। और अगर हमें कॉल को रिसीव करना हो तो भी ये पावर बटन से ही होगा। और अगर जैसे हम कोई सा भी गाना सुन रहे हो तो उसको चेंज करने के लिए ये जो प्लस वाली बटन है इसको दबाना होगा, या फिर माइनस वाली दबाना होगा। अगर हमें आवाज़ बढ़ाना है तो इसको दबा के रखना होगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा ये ब्लूटूथ तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कि आपको कैसा लगा। चाइना की कंपनी है दरअसल ओप्पो, ये बहुत ही कम कीमत में मिला है मुझे, सिर्फ 180 रुपये में मिला है। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक।